रेवाड़ी विधानसभा से कांग्रेस पार्टी के टिकट पर चुनाव लड़ने के लिए नगर परिषद के पूर्व कार्यकारी अधिकारी मनोज यादव ने ताल ठोक दी है। रेवाड़ी नगर परिषद के पूर्व सेवानिवृत्त ईओ मनोज यादव ने अपनी दावेदारी जताकर कैप्टन हाउस की टेंशन बढ़ा दी है। इस दौरान मनोज यादव ने कहा कि उनकी जन्मभूमि नारनौल है, लेकिन उनकी कर्मभूमि रेवाड़ी रही है। उन्होंने अपनी शिक्षा रेवाड़ी में पूरी की और रेवाड़ी में ही नौकरी करते थे और यहीं से सेवानिवृत्त हुए। रेवाड़ी विधानसभा 74 से मैं कांग्रेस कैंडिडेट के रूप में अपने आप को प्रत्याशी मानते हुए कार्य कर रहा हूँ। तो मेरी जो पार्टी है वो कांग्रेस पार्टी है, क्योंकि मैं केएलपी कॉलेज में पढ़ा हूँ। उस टाइम मैं एनएसयूआई से प्रेसिडेंट भी रहा हूँ केएलपी कॉलेज में, और उसके बाद भी कई साल तक मैं जैसे महाविद्यालय बॉम्बे में मैंने उसमें भी भाग लिया। उसके बाद मैं सर्विस में आके सर्विस में रहते हुए आदमी को राजनीति नहीं करनी चाहिए, तो हमने पूरी अपना फोकस किया उस कार्य के ऊपर। और कार्य के बाद आखिरी जो मेरा टेनोर था वो रेवाड़ी का था एज ए कार्यकारी अधिकारी नगर परिषद में। तो यहाँ से रिटायरमेंट के बाद जब मैंने यहाँ काम किया तो उस दौरान मुझे महसूस हुआ कि हमारे यहाँ कोई नेतृत्व की कमी है, कोई विजन नहीं है, कोई काम करने का तरीका नहीं है। सब लोग कहते हैं कि ये कर देंगे वो कर देंगे, आप पर्टिकुलर बात करिए कि आपके पास क्या प्लान है, आप क्या प्लानिंग से काम करना चाहते हैं। पेशे से वकील मनोज यादव ने कहा कि नगर परिषद से सेवानिवृत्त होने के बाद उन्होंने कोर्ट में वकालत शुरू कर दी है और वे रोटरी क्लब आदि विभिन्न संस्थाओं से भी जुड़े हुए हैं। मनोज यादव ने कहा कि उनकी शिक्षा और नौकरी यही होने के कारण वह रेवाड़ी को अच्छी तरह से जानते हैं। मनोज यादव ने अपनी प्रबल दावेदारी जताते हुए कहा कि रेवाड़ी में शुरू से कांग्रेस समर्थित कैप्टन हाउस का दबदबा रहा है। 30-40 साल राज करने के बाद भी रेवाड़ी के लोग आज भी मूलभूत सुविधा से वंचित हैं। मनोज यादव ने कहा कि रेवाड़ी वासियों को शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली और सड़क आदि की उचित सुविधाएं नहीं मिल रही हैं। शहर में सीवर जाम, ट्रैफिक जाम, पार्किंग तथा अतिक्रमण जैसी कई बड़ी समस्याएं हैं, जिन पर विशेष काम करने की आवश्यकता है। नगर परिषद में रहते हुए वे शहर की समस्याओं से भली भांति वाकिफ हैं। अपने कार्यकाल में भी उन्होंने रेवाड़ी में इन समस्याओं पर काम किया है, लेकिन नेतृत्व कमजोर होने के कारण समस्याएं जड़ से खत्म नहीं हुई। अब राजनीति में आने का उनका उद्देश्य भी यही है। आप इस मामले पर क्या सोचते हैं, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। रेवाड़ी से राजेश शर्मा की रिपोर्ट। सत्य खबर, सत्य सटीक बेबाक।